नमस्कार दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिनलैंड स्टडी वीज़ा प्रोसेस है उसके बारे में रहेगा। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिनलैंड के अंदर जो मेजर इनटेक हैं, जो जनरल इनटेक्स हैं, वो दो ही हैं। मेजर इनटेक अगस्त वाला है, जो माइनर इनटेक है वो जैन फेब वाला है। तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन्स बच्चे कुछ ले सकते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं, कुछ बच्चों ने सैट किया हो उसके थ्रू एडमिशन्स ले सकते हैं, कुछ बच्चे पाथवे के थ्रू भी फिनलैंड में जाते हैं, कुछ बच्चे टेलर मेड में भी फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अभी ये है कि ये जितने भी मैंने वे बताए हैं, इन सब वे को हम बच्चों के ऊपर सुजेशन देते हैं, बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, सुजेशन देते हैं कहाँ पर बच्चा अपनी इकोनॉमिकल से इकोनॉमिकल स्टडी कर सकता है। क्योंकि बच्चे डेस्परेट रहते हैं, बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है, पेरेंट्स के अंदर पेशेंस नहीं होती जब वो हमें संपर्क करते हैं। तो उनको ये लगता है कि पता नहीं ये जो डिले है एट द एंड ऑफ क्रॉनिमिगेशन के ऊपर से है, या ये जो डिले है हम जानबूझ के कर रहे हैं। इसको आपने अपने माइंड में ज़रूर लेकर चलना है। पढ़ने के लिए कहीं पर भी जाना है तो आपका जो माइंड के अंदर प्रोसेस है 6 मंथ से लेकर 12 मंथ का होना चाहिए। अगर इससे कम का है तो आप अपना टाइम और फ्रस्ट्रेट ही रहेंगे। अगर आप फ्रस्ट्रेट पहले कहीं से होकर आए हैं तो फिर हमें केस देते हैं, तो फिर डिले होती है, तो आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। पेशेंस रखेंगे, अगर हमने आपका केस लिया है तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। हमारे यहाँ किसी भी टाइप की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, सारा कुछ ओपन है, सारे डॉक्यूमेंट हम ट्रांसपेरेंट हैं, आपको साथ शेयर करते हैं, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटी के साथ चलती है, व्हाट्सएवर वी आर शेयरिंग विद द स्टूडेंट्स, जो भी हमारे साथ स्टूडेंट रजिस्टर्ड होते हैं या पेरेंट्स होते हैं। अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कहाँ पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है। तो वो कैसे पता कर सकते हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपकी प्रोफाइल है। फिनलैंड में हमारे पास ऐसे भी ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप विदाउट आयल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए भी कोई डिफरेंट टाइप के वेज हैं, उसमें आपकी फीसेस ज़्यादा लगेंगी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप फिनलैंड में मिनिमम से मिनिमम फीस देकर जाएं, और उनके जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, उसको इनकैश करें। टेलर मेड जैसे प्रोग्राम्स में क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, इनकी भी हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। फिनलैंड की हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, तो उनकी हमने प्लेलिस्टें तैयार की हुई हैं फिनलैंड से रिलेटेड। उनके भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ वॉच करें, सक्सेस स्टोरीज़ वॉच करें। इवन आप किसी भी कंट्री के नेशंस हैं, वहाँ से फिनलैंड में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद। जब हम आपकी प्रोफाइल लेते हैं, हम आपको साथ में सुजेशंस जरूर देते हैं कि आप ये साथ में ऑप्शंस रखें और ये प्रिकॉशंस लें। अगर आयल्स पीक है या पीटी नहीं किया हुआ है, या सैट के साथ डाल रहे हैं, जब विदाउट सैट डाल रहे हैं, जब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है, वो सारे प्रिकॉशंस साथ में हम बच्चों को देते हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये नहीं है कि क्राउन इमिग्रेशन को आपने प्रोफाइल दे दी है, जस्ट हमारी वीडियो वॉच करने के बाद अभी क्राउन इमिग्रेशन ने आपको 100% रिजल्ट्स दे देने हैं। 100% रिजल्ट्स वी कांट गिव टू एनी बॉडी। मैं फिर बता दूं, बार बार मैं बताता हूं, फ्रस्ट्रेटेड हैं ऑलरेडी तो हमारे पास आए मत, आप अनदर कंसल्टेंटों के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। पेशेंस हैं, प्रोफाइल वीक भी है, अगर हमने ले ली है तो हम आपको कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे। हम ये नहीं है कि हम प्रोफाइल लेने के बाद सो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स फिर उनके पोर्टल के ऊपर, यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एप्लीकेशंस हैं, ज्वाइंट एप्लीकेशंस हैं, उनके पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। इवन आप ऑलरेडी फिनलैंड में हैं, वहाँ से ट्रांसफर चाहते हैं अनदर यूनिवर्सिटी की, उसमें भी हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं। अभी आप ये चीज़ें जरूर चेक करें कि ऐसे ऑप्शन उस कंसल्टेंट के पास भी है जो फिनलैंड को, जस्ट एक फिनलैंड को ही प्रमोट कर रहा है। ये सारे ऑप्शंस आपने देखने, आप ऑलरेडी फिनलैंड में जा चुके हैं बी टाइप रेजिडेंसी के ऊपर, उसको चेंज करवाना चाहते हैं या उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, उसको किस वे से करवाना है, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जाने के बाद स्पाउस का कैसे अप्लाई करना है, इवन फंड्स में स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब फिनलैंड का उन्होंने अप्लाई करना होता है, उसमें भी हम टेक्निकली हेल्प करते हैं कि इनको फंड्स किस वे से मैनेज करने हैं। बच्चों का फंड ही नहीं है दिखाने के लिए, उनको हम कैसे असिस्ट करें जब हम उसका केस लेते हैं, ये सारे का सारा हम बच्चों को ज़रूर बताते हैं। बट आई एम नॉट द गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ कि सबको मैं 100% गप्पे देता हूँ। कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस हैं, क्योंकि रिजल्ट्स विल बी गिवन बाय द बेसिस नॉट बाय मी। कोई मेरी सेटिंग नहीं है वहाँ पे,
मेरा स्किल है, उस स्किल को हम इनकैश करते हैं बच्चों के साथ डिस्कस करके। तो पोर्टल के ऊपर जब हम ओपन कर देते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में उनकी डेडलाइनें दी हुई हैं कि इस डेट को आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस के ऊपर भी देती हैं कि जिन्हें पहले अप्लाई किया है तो उनको फर्स्ट में एडमिशन आ जाता है, जो बाद में अप्लाई करते हैं उनको बाद में। तो ऐसे करके फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं बैचलर प्रोग्राम्स की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 50 की है, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपके प्रीवियस ग्रेडों को चेक करते हैं, आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज को चेक करते हैं, आपके पास कोई अनदर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम है उसको चेक करते हैं, आपकी कोई प्रीवियस एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज हैं उसको चेक करने के बाद दे आर गिविंग द प्रायोरिटीज टू दैट टाइप ऑफ अ प्रोफाइल फॉर एडमिशंस के लिए। एडमिशन आने के बाद जो वीज़ा का प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको अपनी आने वाली कमिंग वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर आपने अपना फिनलैंड का वीज़ा या TRP अप्लाई करनी, जिसको टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट कहते हैं, तो वो किस वे से अप्लाई करना, तो उसकी वीडियो हमारी कमिंग आने वाली है, उसमें मैं सारे के सारे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। तो लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको उन स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।